हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल लेट्स डिस्कस आई एम प्रियंका प्रियदर्शी लास्ट वीक में मुझे बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आए थे जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई सो आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स डियर फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी लास्ट टेन डेज टाउन सो आई एम अनएबल टू रिप्लाई योर मैसेजेस एंड मेल्स पर एक जो कॉमन डाउट है Uh, पांच छह बच्चों का वो ये आपने जो रिप्रेजेंट uh, किया है कि जो कॉस्टल और बेस लाइन के अंदर जो हम बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आप लोगों ने कोट किया है डोमेस्टिक ट्रेड और जो कॉस्टल या बेस लाइन के बाहर जो एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसको आपने कोड किया है इंटरनेशनल ट्रेड बट दिस इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस तो मैंने हमेशा से कहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज द any business activities that crosses the national border is called international business and it includes importing and exporting of international movements like goods, services, employees, technology, licensing, franchisee, intellectual property rights, trademarks, patents, copyright, etc., etc., etc. etc. तो डेफिनेशन में जो अक्रॉस बॉर्डर बोला है वो अक्रॉस बॉर्डर के एक पैरामीटर सेट है वो कोस्टल लाइन और बेस लाइन नहीं है जो इंडिया के मैप में जो कोस्टल या बेस लाइन है वहां से वहां के बाहर क्या है ओशियन है सी है राइट right? तो वो जो ओशियन है उसमें जो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल्स माइल्स में करते हैं और वन नॉटिकल माइल्स इक्वल टू होता है 1.83 किलोमीटर राइट तो जो कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइंस, यानी कि 22 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो पैरामीटर आता है डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर में यानी कि जो कोस्टल लाइन है बेस लाइन और बेस लाइन से 12 किलोमीटर तक ये बेस लाइन हुआ मान लीजिए मैप बनाते हैं तो ये बेस लाइन से जो 12 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस uh, है वहां तक अगर आप बिजनेस करते हो तो उसको भी डोमेस्टिक बिजनेस ही कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड ही कहेंगे जैसे ही आप और उस जो जो 22 किलोमीटर के बाहर जो वो एक लाइन है जो डिवाइड किया है उसको कहते हैं टी डब्ल्यू आई यानी टर्मिनल वॉटर ऑफ इंडिया वो वॉटर जो है वो इंडिया के आ, इंडिया के दायरे में आता है तो वो टर्मिनल वॉटर ऑफ इंडिया वहां तक डोमेस्टिक ट्रेड होगा वो टी डब्ल्यू आई टर्मिनल वॉटर ऑफ इंडिया के बाहर अगर आप बिजनेस करते हो तो उस बॉर्डर के बाहर के बिजनेस एक्टिविटीज business से जो भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और वो उसका लिमिटेशन क्या है टी डब्ल्यू आई से टू हंड्रेड नोटिकल माइंड आगे तक यानी कि टू हंड्रेड नोटिकल यानी कि थ्री थ्री सेवेंटी किलोमीटर तक टी डब्ल्यू आई से थ्री सेवेंटी किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस वहां अगर लेकिन ये भी है उस एरिया को हम लोग ईसी से मेंशन करते हैं अब आप बोलोगे ई सी का क्या मतलब है तो ई सी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टी डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई से थ्री सेवेंटी किलोमीटर तक के आगे के एरिया को हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कंसिडर करते हैं पर वो एरिया कंसिडर होता है ईई सी में यानी कि ई जेड में यानी कि वो एक पर्टिकुलर जोन है जहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है एक्सक्लूसिव किसी पर्टिकुलर चीज का हम लोग बिजनेस ही कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर चीज सिर्फ तीन है दैट इज फिशिंग माइनिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन के, के अंदर हम बस तीन चीजें कर सकते हैं तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो टी डब्ल्यू आई के अगर अंदर है तो वो डोमेस्टिक ट्रेड है टी डब्ल्यू आई के बाहर है तो वो क्या है इंटरनेशनल बिजनेस है सो फ्रेंड्स जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैंने ये मेरी मेरी ड्राइंग तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है आ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने का कि देखिए ये जो इंडिया का मैप है इसको क्या बोलते हैं इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं कोस्टल लाइन या बेस लाइन ठीक है अब ये जो बेस लाइन है यहां से यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि यहां पे नेशनल बिजनेस होता है नेशनल ट्रेड होता है और वन नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू मैंने बताया वन पॉइंट एट थ्री वन पॉइंट एट थ्री किलोमीटर है तो ये टोटल हो गया ट्वेंटी टू किलोमीटर ठीक है तो ये जो ट्वेंटी किलोमीटर के बाद का जो लाइन है इसको कहते हैं टी डब्ल्यू आई ठीक है यानी कि टर्मिनल वॉटर ऑफ इंडिया अच्छा अब टी डब्ल्यू आई से टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक के बॉर्डर को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वहां जो भी बिजनेस होते हैं और ये जो एरिया है ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ई जेड अब ई जेड में ये सिर्फ तीन एक्टिविटीज होती है एक फिशिंग की होती है एक माइनिंग की होती है और एक ऑयल एक्सट्रैक्शन की होती है ठीक है तो आई लाइन एड यहां बिजनेस करोगे यहां बिजनेस यहां कहीं भी करोगे तो डोमेस्टिक कहलाएगा डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा इसके अलावा ये जो टी डब्ल्यू आई है अगर आप यहां भी करोगे यहां भी करोगे यहाँ इनफैक्ट आप इसके बिल्कुल इस कॉर्नर पे भी यहां कहीं एक्टिविटीज करते हो तो ये कहलाएगा नेशनल बिजनेस लेकिन जैसे ही आप ये जो टी डब्ल्यू है इसको आप यहां से क्रॉस करते हो तो यहां 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 ये यह जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाएगा इंटरनेशनल ट्रेड यहां कहीं करोगे तो और इस एरिया को जैसे मैंने बताया ई जेड कहते हैं यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं और एक्सक्लूसिव ये ये जो एरिया है ये वाला जो पार्ट है यहां पे अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कर, नहीं कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन है बस तीन काम कर सकते हो एक तो फिशिंग का कर सकते हो एक माइनिंग का कर सकते हो और एक एक्स ऑयल एक्सट्रैक्शन का कर सकते हो राइट आई होप कि आपको आज का जो लेसन है वो समझ आया होगा आई कैन अंडरस्टैंड ये सारे नए नए जो टर्मोलॉजीज है वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि कैसे मगर करेंगे बट ट्रस्ट मी आप टू थ्री टाइम्स इस वीडियो को देखिए लाइक नॉटिकल माइल्स है uh, कितना इज इक्वल टू नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू कितना होता है आप उसको पढ़िए सुनिए और फिर अपने नोट्स कॉपी में उसको अच्छे से मेंशन करिए या फिर एक आ, किसी पेपर पे लेके आप अपने वॉल पे पेस्ट करिए कि नोट नॉटिकल माइल्स कितने होते हैं ई जेड कहाँ तक होता है और टी डब्ल्यू आई है इसका जो डिस्टेंस है इसके पैरामीटर क्या क्या है इस ये आपको टू थ्री टाइम्स पढ़ना होगा समझना होगा तभी आपके जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी आपके कॉन्सेप्ट में तब आप आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा नेशनल बॉर्डर है कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है आप अच्छे से Uh, देख पाओगे वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग 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 क्राइटेरिया है uh, कि कहाँ तक उनका uh, जो दायरा है कहाँ तक फैला हुआ है तो आप जैसे जैसे uh, इस सब्जेक्ट के इनडेप्थ uh, में जाइएगा आप आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा उसमें क्लैरिटी आएगी uh, अभी के लिए इतना ही और आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आज के सेशन में सो so, फर्दर की वीडियोज के लिए स्टे ट्यून विथ मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग